उम्मीदवार की तो घोषणा नहीं किया है, लेकिन सीट को लेकर घोषणा कर दिया कि कौन कहाँ से लड़ेगा। देखिए, ये बहुत पहले से लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत ठीक चल रहा है, और आज दो महीना से लगभग ठीक ठीक कर रहे थे। आज कैंडिडेट का घोषणा न करके सिर्फ सीट का घोषणा किए हैं कि कौन पार्टी कहाँ से लड़ेगी। इसमें भी हम संदेश समझते हैं कि कहीं ना कहीं पेट लोगों का फंसा हुआ है, जिसके चलते ये लोग इतना विलम्ब से किए हैं, जबकि फर्स्ट फेज का कल से नॉमिनेशन शुरू है। ऐसी परिस्थिति में उम्मीदवारों का नाम न घोषित करना ही साबित करता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की विलम्ब है। इसलिए यही कह सकते हैं कि बहुत देर कर करके बहुत विलम्ब से इन्होंने जो कवायद किया है और आज सामने आए हैं, वो भी अपूर्ण किए हैं। इसी से ऐसा हम कह सकते हैं कि एनडीए में घमासान है, और उसी का कारण है, उसी के चलते इतना देर से उन्होंने सीट का भी डिक्लेरेशन किया है, नामों का डिक्लेरेशन नहीं किया। तो आप लोग थोड़ी देरी कर रहे हैं, हम तो बहुत पहले हम लोग कहे थे कि जैसे ही वो लोग जैसे जैसे वो लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग करेंगे। आज उन्होंने सीट का बंटवारा का मामला किया ना, कल देखिएगा हमारे यहाँ भी सीटों का बंटवारा का ही हो जाएगा, और फिर जैसे ही नाम की घोषणा करेंगे वैसे हम लोग भी नाम कर देंगे। एनडीए की राह आप लोग भी चलो? राह नहीं है, ये स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, कैसे लोगों को दे रहे हैं, क्या सामाजिक समीकरण है, क्या लैंगिक समीकरण है, सब चीज़ को देख करके उसका काट हम लोग देंगे और परफेक्ट रूप में देंगे, और हर हालत में हम लोग एनडीए को हराएंगे, ये लक्ष्य के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं।